वेलकम गाइस। तो आज हम हैं सेंट लूसिया में, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये कैरेबियन टूर का हमारा आज सेकंड पोर्ट है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है बाहर सेंट लूसिया का। शिप के चारों तरफ यहाँ पे आइलैंड से छोटे छोटे आइलैंड से सिर्फ एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। आप देख सकते हैं यहाँ सामने आइडा की शिप लगी है, बस यहीं से निकलता है क्रूज़ बाहर। और बाकी यहाँ पे चारों ओर आइलैंड से कितना बहुत ही सुंदर दृश्य। बाहर अभी भी जा नहीं सकते, शोर लीव सस्पेंड है अभी भी। आज तो टर्मिनल तक जाने के लिए आई थिंक बोला है, लेकिन टर्मिनल तक खाली शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। शॉपिंग के लिए ना, हाँ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, टर्मिनल तक बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते अभी भी। और ये शिप के चारों ओर क्या खूबसूरत नज़ारा है, एकदम अपने जम्मू कश्मीर का जैसा यहाँ पे दिखता है। पूरे घर भी वैसे ही हैं, उसी हिसाब से बने हुए हैं, पूरा एकदम जंगल टाइप दिखता है। साइड्स में यहाँ पे काफ़ी नारियल के पेड़ हैं। और ये अपने शिप का स्विमिंग पूल, और यहाँ पे घर जो बनाए हैं हमारे उधर जम्मू कश्मीर में, ऐसे घर होते हैं बिल्कुल मेरे को सिमिलर वहाँ जम्मू कश्मीर का जैसे वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। और पेड़ भी उसी टाइप के हैं, सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा नारियल हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है एकदम। जितना हो सके मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे बारिश भी हो रही है अभी, देख सकते हैं छोटी बूंदाबांदी हो रही है, और मॉर्निंग में भी बारिश हुई थी यहाँ पर। और ये रहा बाहर टर्मिनल का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ पे पहाड़ियाँ जैसे साथ में पहाड़ियाँ हैं, बारिश भी लग रही है, धूप भी खिली है एकदम, और गर्मी है यहाँ पे अभी। टेम्परेचर यहाँ पे आई थिंक 30 के आसपास है अभी भी, और एकदम बारिश भी हो रही है। और ये रहा अपने शिप का फॉरवर्ड एरिया, फॉरवर्ड व्यू। और ये यहाँ पे चारों ओर खूबसूरत दृश्य आ रहा है, एकदम ग्रीनरी है, देख सकते हैं आप, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, साथ में समुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, एकदम घर की जैसी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे सेंट लूसिया क्रिकेट ग्राउंड भी है, बट वो यहाँ से दिखाई नहीं देता है, पता नहीं कौन सी साइड है वो। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, एकदम मस्त, ड्रॉपलेट्स भी गर्म आ रहे हैं, बादल भी हैं, धूप भी खिली हुई है। बहुत ही गहरा दिख रहा है टॉप से, तो कितना अच्छा है यार देखना। साथ में आइलैंड, पानी भी, और वहाँ पे दूसरा आइलैंड सामने, बीच में कुछ घर, और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ये टर्मिनल है यहाँ पे, यहाँ पे शिप डॉक होते हैं। और एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और ये देख रहे हैं आप इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, कैमरे में पता नहीं आ रहा है या नहीं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें बिल्कुल सात रंग, क्योंकि ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, और धूप भी है,
रेनबो, इंद्रधनुष, यहाँ पे 12 महीने गर्मी ही होती है कैरेबियन में, और ग्रीनरी भी है मस्त, ऐसा नहीं कि गर्मी से सब कुछ झुलसा हुआ है, जला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे टिंडर कोकोनट वाटर भी मिलता है, एक कोकोनट मिलेगा आपको $1 का, बहुत बड़ा है मैंने सुना है, बहुत बड़ा होता है, फिर जाना पड़ेगा टर्मिनल तक आज कोकोनट वाटर पीने। तो गाइज इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं एंड, बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, तो कल मिलते हैं अलग दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।